नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज गंगा दशहरा का दिन है और ठीक है, गंगा दशहरा के दिन ही एक बहुत बड़ी घटना इस समय सामने आ रही है जी। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मांसलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट पर एक घटना घटी है जिसमें करीब 3 बच्चे जो हैं गंगा किनारे स्नान करने के लिए पहुँचे थे और जैसे ही वो स्नान करने के लिए तीनों गंगा जी में प्रवेश किए, उसके बाद जो है तीनों डूबने लगे, जिसके बाद जो है दो बच्चे जो है किसी तरह से जान बचाकर निकल गए, लेकिन एक बच्चा जो है वो अभी तक लापता बताया जा रहा है। क्योंकि आज गंगा दशहरा का दिन है और लोग गंगा किनारे गंगा स्नान करने के लिए उमड़े हैं और उसी दौरान जो है यह घटना घटी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गंगा किनारे उनके परिजन जो है, बच्चे के परिजन जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, जिसके बाद एनडीआरएफ को भी खबर दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक मौके पर एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है, इसलिए बच्चे को बचाने के लिए किसी तरह की कोई उपाय अभी नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे ही एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँचेगी वैसे ही उस बच्चे की खोजबीन की जाएगी। घटना के विस्तृत जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति, यहाँ पर एक युवक है, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस घटना के बारे में आखिर कैसे, क्या घटना घटी। जी आप बताइए कि कैसे ये घटना घटी। गंगा दशहरा का दिन था, बच्चे लोग नहाने आए, इसी में पानी में ज़्यादा चढ़ गए, इसलिए बच्चे को दो था डूब रहा था, एक को बचा लिया गया, एक डूब गया। कितने, 3 लड़के थे? 7 बजे नहीं, 3 लड़का थे तो दो बच गए, एक डूब गए, मतलब दो किसी तरह से निकल गया और एक डूब गया। ऐसे ही निकल गया, जैसे उसको नहीं धर पाया इसलिए निकल गया और एक डूब गया। कहाँ के थे? जमुनापुर छह टोला का था। तो आप साफ तौर पर सुन सकते थे कि यह जो बच्चा अभी डूबा है वो जमुनापुर के चाइटोला का रहने वाला है और वो मांसलामी थाना क्षेत्र का ही पड़ता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि 3 बच्चे गंगा स्नान करने के लिए उस गंगा में प्रवेश किए थे, जिसके बाद जो है तीनों डूबने लगे और जिसके बाद जो है दो बच्चे जो है किसी तरह से बाहर जान बचा कर बाहर निकल गए और एक बच्चा जो है अभी तक गंगा के पानी में यानी गंगा के लहरों में समाया हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज गंगा दशहरा का दिन है और ठीक गंगा दशहरा के दिन ही गंगा के किनारे स्नान करने के लिए भीड़ उमड़ी थी और जिसके कारण जो है यह घटना जो है घटी है। और एक बच्चे जो कि जमुनापुर के चाइटोला का रहने वाला बताया जा रहा है वह अभी इस गंगा में समाहित है, अभी उसकी खोजबीन नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी वहां और जिसके बाद बच्चे खोजबीन की जाएगी। यहां पर एक मांसलामी थाना के दारोगा हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह की क्या घटना घटी। ये बताइए किस तरह की क्या घटना। हम तो अभी तुरंत ड्यूटी में आए किए हैं, इससे पहले समीर कुमार डेट तुरंत समीर बाबू गया थाना पर, हम तुरंत आए हैं। क्या घटना, सूचना क्या मिली आपको? सूचना पूछने पर बताया गया है कि मान कर चलिए 3 लड़का आया है, 2 लड़का निकल गया है, एक लड़का वही गंगा में भी स्नान करने के क्रम में स्नान करने के क्रम। कहाँ के थे ये लोग? चाय टोला के बता रहा है, जमुना। तो एक तरह से आप मांसलामी थाना के दरोगा थे, वो उनको सुन रहे थे। आप, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 3 बच्चे जो हैं गंगा स्नान करने के लिए उमड़े थे, आज गंगा दशहरा का दिन है और ठीक उसके उसी समय जब ये लोग पानी में उतरे उसी समय यह घटना घटी। 3 बच्चे डूब रहे थे, जिसके बाद से 2 बच्चे जो है किसी तरह से बाहर निकल गए, लेकिन एक लड़का जो है वो इस गंगा में अभी तक समाये थे, जिसकी खोजबीन जारी है। और रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।